आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप समान जाति से आते हैं तो फिर भी आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पहले जो क्या होता था कि जो भी समान जाति से आते तो उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता था, लेकिन अब स्टार्ट हो गया तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से आपको समान जाति के जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो जानेंगे पूरी चीज विस्तार से। समान जाति में कौन कौन जाति आते हैं, कौन कौन सा कास्ट आते हैं हम जानेंगे, और इसी वीडियो में हम आपको अप्लाई करके सिखाएंगे कि किस तरह आप समान जाति का भी जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही ले सकते हैं, ब्लॉक जाने की झंझट अब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सर्विस प्लस की वेबसाइट पे आना होगा। सर्विस प्लस जैसा कि देख पा रहे हैं सर्विस प्लस लॉगिन कर चुके हैं। सर्विस प्लस पे आने के लिए आपको serviceonline.bihar.gov.in पे क्लिक करके एक अकाउंट बना के लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सर्विस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्विस है उसको सर्च कर लेना, ढूंढ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 29 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल, तो आपको सीओ लेवल से अंतर अंचल अधिकारी से बनाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे 29 नंबर में जो कास्ट सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद किसी कुछ इस तरह सबसे पहले यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सीवी अभिवादन में सीरी सेलेक्ट करेंगे, तो कोई अभिवादन नहीं। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम देंगे जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसका फुल नेम देंगे, स्पेस देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फुल नेम देंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में कन्वर्ट सही से नहीं हो पाता है तब आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प से, गूगल इनपुट टूल से आप अंग्रेजी में हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। गूगल इनपुट टूल को यूज करने की मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसमें मैं आई प्रमाण पत्र अप्लाई करने के बारे में बताया था, उसमें मैं आपको गूगल इनपुट टूल की यूज करने के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इसी तरह यहाँ पे फादर्स की फुल नेम देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो मदर का नाम होगा वो नाम देंगे, स्पेस देंगे, तो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी लेडीज का बना रहे तो उसका हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, अगर वो मैरिड है नहीं तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ एड्रेस देंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रमंडल सेलेक्ट करेंगे, अनुमंडल, ठीक है, सब डिवीजन जो अनुमंडल होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आपका जो घर है वो नगर ग्राम पंचायत के अंदर आता है या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के अंदर आता है, मेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है तो ग्राम पंचायत को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या देंगे, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा, उसके बाद यहाँ अपना पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका गांव या मोहल्ला का नाम देंगे, डाकघर का नाम देंगे, उसके बाद यहाँ अपना पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर देंगे। आधार नंबर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, अगर आधार नंबर देंगे तो OTP से वेरीफाई करना होगा, इसलिए आधार नंबर को खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड था फोटो का अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ चूज वाल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी काम कर रहे हैं जैसे छात्र है या निजी सेवा है या सरकारी सेवा है, व्यवहार है, किसान है, जो भी आप है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ग कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जिसमें समान जाति भी देख पा रहे हैं यहाँ अवेलेबल है, तो जिस भी जाति के आप वहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, समान में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे समान में जितने भी कास्ट आते हैं सभी कास्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी आपका कास्ट वो कास्ट सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं समान का मैं जाति प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री करेंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसका कुछ इस तरह जो भी डिटेल आपने ऊपर फिलअप किया वो सारी चीज़ ऊपर आपको मिल जाएगा, अगर उसमें सही है ठीक है नहीं तो यहाँ से एडिट करके आप उसे सुधार सकते हैं। चलिए मेरा सारा चीज़ सही है, यहाँ उसके बाद अटैच पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, कोई भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड अपलोड कर चुके हैं, अगर चाहे तो डिजी लॉकर से डायरेक्ट यहाँ पे आप आधार कार्ड को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से डुप्लीकेट है जो देख पाए, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड अपलोड कर चुका है, कर चुके हैं, तो ऊपर में भी यहाँ पे आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं, मेरी सारी जानकारी सही है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो गया, एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके इसी रिसिप्ट को PDF को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं इस रिसिप्ट में आपको सेवा प्रदान की
तिथि दी गई, इस तिथि को आपको जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो ऑनलाइन यहीं से मिल जाएगा, या आपने जो अप्लाई कर किया था अप्लाई करते हुए ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाता है। अगर इस डेट को आपको नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया, इस नंबर पर आप शिकायत भी कर सकते हैं जो है 144-03, उस पर आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर इस डेट को आपका सर्टिफिकेट अब नहीं मिल पाता है तो। जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तब आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं।